hello my dear students good morning to all today's date is 5, 2020 subject english grammar class 5 book the grammarite book chapter 3 we are reading about order of adjective sometimes we use more than one adjective to describe a noun however we do not use this adjective in any random order we use a standard order in which adjectives must follow कभी कभी हम लोग सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और ये सब एडजेक्टिव हम लोग रैंडमली यूज नहीं कर सकते इसका सही एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है जिसके द्वारा हम एडजेक्टिव को सही तरीके में यूज कर सके यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है लुक एट दिस फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ दिवस ये चार्ट से हम लोग हम लोग जानेंगे कैसे करके ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को हम लोग फॉलो कर सकते हैं नंबर वन नंबर नंबर टू क्वालिटी और ओपिनियन नंबर थ्री साइज नंबर फोर एज नंबर फाइव शेप नंबर सिक्स कलर नंबर सेवन नेशनलिटी और ऑरिजिन नंबर एट मेटेरियल और नंबर नाइन पर्पज तो देखिए ये है ऑर्डर अगर हम लोग एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही सेंटेंस में तो हम लोग ये ऑर्डर फॉलो करते हैं सबसे पहले हम लोग नंबर वाला एडजेक्टिव लेंगे उसके बाद क्वालिटी और ओपिनियन उसके बाद साइज आफ्टर दैट एज िटी और ओरिजिन मेटेरियल और पर्पज ये है सही ऑर्डर जो हम लोग नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं सेंटेंस में से क्या है फाइव ट्वेल्व क्वालिटी और ओपिनियन ब्यूटीफुल रफ साइज यूज टाइनी एज न्यू यंग शेप राउंड रेक्टेंगुलर कलर रेड ग्रीन नेशनलिटी और ओरिजिन आयरिश रूलर मेटेरियल कॉटन उडन पर्पज डोमेस्टिक स्पोर्ट्स ठीक है तो देखिये एक एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आई सॉ अग फैट रेड पांडा इन द जू देखिये यहाँ पे और सी बॉर्ड थ्री ब्यूटीफुल टर्कीस कार्पेट जारा किप्स अ स्मॉल स्क्क हैंकर चिप इन हर्स तो देखिये यहाँ पे बिग फैट रेड पांडा यहाँ पे पांडा को डिस्क्राइब करने के लिए थ्री एडजेक्टिव्स यूज किया गया है बिग फैट रेड तो बिग क्या होता है आपका साइज ओके फैट क्या है शेप और कलर राइट रेड तो देखिए यहां या तो यहाँ पे देखिए उसके जैसे देखिए एडजेक्टिव और नंबर और, और क्वालिटी और ओपिनियन साइज एज शेप ये सब यूज किया गया है राइट ये ऑर्डर फॉलो किया गया है जैसे देखिए ब्यूटिफुल टर्किस कार्पेट यहाँ पे लिखा गया है टर्किज कार्पेट तो देखिए यहाँ पे थ्री क्या है आपका नंबर है ब्यूटीफुल आपका क्वालिटी है और टर्किश के नेशनलिटी और ऑरिजिन है तो देखिए ये एक मतलब एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में इसे एडजेक्टिव्स को यूज किया गया आप रैंडमली यूज नहीं कर सकते आप नहीं बोल सकते सी बोर्ड टर्की ब्यूटिफुल कार्पेट नहीं वो रॉन्ग हो वो गलत है सी बॉर्ड थ्री ब्यूटीफुल टर्किस कारपर्ट्स ये है सही हुए और देखिये जाड़ा के स्मॉल स्क्सिल्क हैंडकट चिप इन पर्स इसमें देखिये स्मॉल क्या है साइज स्क्वायर क्या है शेप और सिल्क क्या है उसका मेटेरियल तो इस टाइप का हम लोग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई भी नाउन को जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो तीन एडजेक्टिव यूज करना पड़े तो हमें ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव फॉलो करना पड़ेगा ठीक है ओके बेस्ड ऑन द फ्लो चार्ट स्टेट द टाइप ऑफ एड्जेक्टिव गिवन बिलो वन इज बिन डन फॉर यू देखिये यहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है अब ये कौन सा टाइप्स ऑफ में स्टेट करता है जैसे देखिए लेदर क्या है मेटेरियल जैसे हम लोग क्या क्या एडजेक्टिव पढ़े नंबर क्वालिटी और ओपिनियन साइज एज शेप कलर नेशनलिटी और ऑरिजिन मेटेरियल और पर्पज तो ये जो एडजेक्टिव दिया गया है ये कौन सा अ, मतलब एडजेक्टिव में गिरता है कौन सा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में फॉल करता है तो आपको वो लिखना पड़ेगा जैसे लेदर क्या है मेटेरियल जापानीज़ क्या है नेशनलिटी और ऑरिजिन ठीक है आपको यहाँ पे जापानीज में क्या लिखना पड़ेगा नेशनलिटी और ऑरिजिन तो आपको इसी प्रकार से बाकी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा उसके बाद नंबर जी को सॉल्व कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू क्लास